बच्चियों निकला, उन्हें छुट्टी देना चाहिए, वो छुट्टी नहीं देते हैं। तो यहाँ मैम कहती है जब डीएम छुट्टी वहाँ से देंगे तब तो हम लोग देंगे, वो देंगे नहीं तो हम कहाँ से देंगे छुट्टी। सर कल कोई बच्चा नहीं आया था तो हम अकेले आके क्या करेंगे? तो वही बात ना कि पर में अगर छुट्टी ना मिले तो बच्चे नहीं आएंगे। यस सर। आप बताइए नाराजगी है या नहीं है नाराजगी की फेस्टिवल्स में भी छुट्टी नहीं मिल रहा आप सबको? नाराजगी तो बहुत है। नाराजगी है हाँ। तो के पाठक जी को क्या बोलना चाहेंगे कि फेस्टिवल में भी छुट्टी मिले या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं, छुट्टी तो मिलनी चाहिए, अगर जरूरत घर पे है हाँ। तब तो नहीं आएंगे। मम्मी छठ की है और छुट्टी नहीं मिला तो कहाँ रहिएगा? घर पर। तब तो घर पे जरूरत है तो हम जरूर रहेंगे, एब्सेंट लगे तो लगे हाँ। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि सरकारी स्कूल के क्लासरूम में हम मौजूद हैं और बच्चों से सवाल बस इतना करेंगे कि भैया टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं और छुट्टी नहीं मिल रहा तो गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं आ रहा, तब भी पढ़ाई बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिल रहा है। और ये जो छुट्टी नहीं दे रहे हैं के पाठक जी, उस पर क्या बोलिएगा? नो सर, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में छुट्टी नहीं मिल रहा है क्या कहिएगा? पर मैं अब घर में नहीं मना पाएगा, स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, स्कूल में पढ़े। गुस्सा नहीं आता? नहीं। चलिए आप बताइए कि एकदम सच कि पर में अगर बच्चों को छुट्टी नहीं मिलेगा तो ये गलत है कि सही है? सही सही है। तो आप पर में जब सही है तो कल काहे नहीं आए थे? जब पर में सही है तो कल क्यों नहीं आए थे? कल हाँ, कल तो आए नहीं। ओ कल तो 0% अटेंडेंस था, तो जब सही है तो क्यों नहीं पहुंचे थे पर छोड़ के, बताइए। चलिए आप बताइए कि पर में अगर सही है छुट्टी तो कल क्यों नहीं आए? चलिए कह तो दिए कि बहुत सही है बहुत सही है, तो कल क्यों नहीं आए थे अगर बहुत सही है? कल नहीं आए थे क्यों? नहीं सर, तब भी कितनों कर कर सर स्कूल में बच्चों को हर पर में छुट्टी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? यस सर। के पाठक जी को क्या कहना चाहेंगे? आपसे बड़े हैं, अंकल हैं, कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चे की तरफ से? आपको सुन रहे हैं वो, तो छुट्टी नहीं मांगे सर? हर पर्व में सर बच्चों लोग अपना अपना पर्व मनाने चाहते हैं सर, इसलिए कुछ तो छुट्टी मिलना चाहिए सर। राहत दीजिए। यस सर। बहुत तंग हो गए। यस। चलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम वंशराज। वंशराज तो छुट्टी मांगते हैं या ठीक है, गदगद है? नहीं कुछ, खुल के बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं, खुल के बोली। क्या डरते हैं? नहीं। आप बताइए छुट्टी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। के पाठक जी को क्या बोलिएगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बच्चों? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। दिक्कत हो रहा? नहीं नहीं। तब आए क्यों? नहीं दिक्कत नहीं हो रहा था। चलिए यहाँ तो बोलिए, बच्चियाँ मौजूद हैं। आप बताइए कि क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहते हैं बड़े होकर। डॉक्टर बनना चाहते? कल आई थी? नहीं। क्यों? स्कूल बंद था इसीलिए। स्कूल बंद था? नहीं खुला था। कल स्कूल बंद था। बंद था? नहीं खुला था सुनबीर, नहीं आए। ये बताइए कि छुट्टी नहीं मिल रहा है बच्चों को तो इससे खुश हैं आप कि नाराज हैं? खुश हैं। खुश हैं तो क्यों नहीं आई थी कल? कल छुट्टी था इसीलिए। कल छुट्टी था इसीलिए। कल छुट्टी था? अरे छुट्टी नहीं थी सारी खुद। चलिए छुट्टी था इनके लिए। आप बताइए नाराज हैं छुट्टी नहीं मिलने पे कि खुश हैं? सच बोलिएगा, डरना नहीं है। नाराज हैं? यस सर। आई थी कल? नो सर। तो नाराज हैं? तो मान लीजिए के पाठक जी आपको सुन रहे हैं तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि बच्चे चाहते हैं क्या? छुट्टी। और हम लोग बोले एकदम खुल के बोले, कोई डरने की जरूरत नहीं। हम ठीक है, हम लोग को खाना भी यहाँ मिलता है तो पानी डाला रहता है पूरा अच्छी टाइप का हाँ। और कंप्यूटर नीचे लग रखा है, फिर भी हम लोग को कंप्यूटर चलाने नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। क्यों? पता नहीं। अब क्लासरूम में ऐसा अंधेरा क्यों है? वो बॉल था पर लेकिन 10 वाला था। 10 रुपए वाला? यस सर। अच्छा ये बताइए कि के पाठक जी छुट्टी दे नहीं रहे हैं तो कैसे चलेगा, कैसे आप मतलब कि कैसे रहिएगा? पर में छठ मनाती है ना मम्मी? नहीं, छठ नहीं मनाती है, दादी मनाती है। दादी मनाती है, घर में होता है ना जी, तो छुट्टी मिलेगा ही नहीं तो क्या करिएगा? नहीं आएंगे तो भी नहीं आइएगा, मतलब कि छुट्टी मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो क्या कर सकते हैं? मतलब कि छुट्टी मिले ना मिले आप नहीं आइएगा पर में। आप बताइए पर में पहुँचिएगा छुट्टी नहीं मिलेगा तो? हंसना नहीं, एकदम सीरियस बताइए क्या अगर छुट्टी मिला तो ठीक या नहीं मिला तो ठीक? आप बताइए। नहीं। नाम क्या हुआ?
रविता कुमारी। कविता कुमारी, रविता। रविता ना, ये बताइए कि बनना क्या चाहते हैं? हम ये डॉक्टर। डॉक्टर, छुट्टी नहीं मिल रहा है तो गुस्सा आ रहा है कि एकदम सच बोलिए? बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या मन कर रहा है, मतलब कि आए स्कूल या कल? तो आप नहीं आई थी? नहीं। छठ में भी छुट्टी नहीं मिलेगा तो आएंगी? नहीं। कि पर्व मनाइएगा? पर्व मनाएंगे। के पाठक जी को क्या कहना चाहिएगा, शिक्षा विभाग को क्या कहना चाहिएगा, बताइए खुल के। क्या मांग रखिएगा एक लड़की होने के नाते, एक बच्ची होने के नाते? उन्हें छुट्टी देना चाहिए, वो छुट्टी नहीं देते हैं तो यहाँ मैम कहती है जब डीएम छुट्टी वहाँ से देंगे तब तो हम लोग देंगे, वो देंगे नहीं तो हम कहाँ से देंगे छुट्टी। जब तक वो देंगे, जब तक वो नहीं देंगे, जब तक हम भी नहीं देंगे। वहाँ से आदेश नहीं, यहाँ से कैसे आदेश हो? तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है कि नहीं? यस सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं, चलिए बताइए क्या चाहती हैं, क्या बोलना चाहेंगे पाठक जी? हम जो बोलना चाहें, अपना मांग, जो भी विश रखना चाहें। हाँ, क्या बोले? छुट्टी मांगिएगा कि जो चल रहा है वही चले? नहीं, छुट्टी मांगना चाहते हैं। छुट्टी मांगना चाहते हैं? ऐसे नहीं चलेगा? नहीं। ऐसे आइएगा कि नहीं आइएगा? आएंगे, जरूर आएंगे। मान लीजिए पर में छुट्टी दिया ही नहीं, हाँ तो आइएगा? नहीं नहीं नहीं। एब्सेंट हो तो हूँ? हाँ। नहीं, क्योंकि कल तो नहीं आई थी? नो सर। हाँ तो सर, कल कोई बच्चा नहीं आया था तो हम अकेले आके क्या करेंगे? तो वही बात ना कि हाँ। पर में अगर छुट्टी ना मिले तो बच्चे नहीं आएंगे। यस सर। आप बताइए, नाराजगी है या नहीं है नाराजगी की फेस्टिवल्स में भी छुट्टी नहीं मिल रहा आप सब? नाराजगी तो बहुत है। नाराजगी है हाँ। तो के पाठक जी को क्या बोलना चाहेंगे कि फेस्टिवल में भी छुट्टी मिले या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? नहीं, छुट्टी तो मिलनी चाहिए। छुट्टी मिलनी चाहिए हाँ। दिक्कत हो रही है? हाँ, हो तो रही है। दिक्कत हो रही है, ठीक है, गदगद है? हल्का दिक्कत हो रही है। पर में आइएगा, छुट्टी नहीं मिलेगा तो? नो, नहीं आइएगा आप? नहीं आइएगा आप। फेस्टिवल्स में कल आई थी? यस, नहीं, नो सर, नहीं कल नहीं आई। कल तो स्कूल था तो क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि फेस्टिवल था इसलिए नहीं। आप पहुंची थी? नहीं। आप पहुंची थी? नहीं। तो फेस्टिवल्स में ऐसे ही छुट्टी नहीं मिलेगा तो पहुंचिएगा कि घर पर रहिएगा? अगर जरूरत घर पे है तब तो नहीं आएंगे। मम्मी छठ की हैं और छुट्टी नहीं मिला तो कहाँ रहिएगा, घर पर? तब तो घर पे जरूरत है तो हम जरूर रहेंगे। एब्सेंट लगे तो लगे हाँ। के पाठक जी से क्या मांग रखिएगा, बच्ची हैं, लड़की हैं, क्या मांग रखिएगा, क्या मांगिएगा? सर, हम यही मांगेंगे कि हमें छुट्टी चाहिए। अब छठ तो, छठ में सबकी छुट्टी होती है, ऐसा नहीं है, कॉलेजेस में भी छुट्टी होती है तो हम तो लोग सरकारी स्कूल में आप लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, इसका कारण हम क्या बताएंगे सर? अच्छा, सुना है कि टीचर कम है ज्यादा है? टीचर तो अभी थोड़ा कम है, अभी थोड़ा कम है। आप बताइए क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। कल आए थे? नहीं। तो ऐसे ही अगर फेस्टिवल में चलता रहा कि छुट्टी मिलेगा नहीं तो क्या करिएगा, आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे फेस्टिवल में। के पाठक जी को क्या बोलना चाहेंगे कि छुट्टी फेस्टिवल में तो छुट्टी दिलाना ही चाहिए, फेस्टिवल में फेस्टिवल छुट्टी चाहिए तो हाँ। चाहिए। अच्छा, दिक्कत कितना हो रहा? दिक्कत तो फेस्टिवल फेस्टिवल है तो छुट्टी क्यों नहीं दिलाएंगे? छुट्टी क्यों नहीं चाहिए? चलिए आप बताइए, छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए, छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। कि ठीक है, रोज आइएगा? नहीं, रोज आएंगे, छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए आपको? हाँ चाहिए, छुट्टी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगी सरकार को, क्या मैसेज देना चाहेंगी शिक्षा विभाग को, क्या कहना चाहेंगे? हर फेस्टिवल में हमें छुट्टी चाहिए। हर फेस्टिवल मतलब मांग है तो है? हाँ चाहिए। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, हर फेस्टिवल में छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो? अब नहीं मिली तो अब सब घर पे तो रहेगा, स्कूल कौन आएगा? चलिए, यही लाइन सुनना चाहते थे और सुनाना चाहते थे क्योंकि फेस्टिवल्स में अगर छुट्टी नहीं मिली तो कितना भी सरकार ट्राई कर ले, कितना भी के पाठक ट्राई कर ले, बच्चे जो है ना वो घर पर ही समय देंगे। वही हम बता रहे थे कि बच्चे जो है वो बहुत परेशान हो चुके हैं कि फेस्टिवल्स में भी अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो बच्चे करें तो करें क्या। लोग बहुत नाराज थे, स्टूडेंट्स, हमने बातचीत किया लड़कियों से, लड़कों से, बच्चों से हमने बातचीत किया और सीधे पूछा कि फेस्टिवल में छुट्टी नहीं मिल रहा है तो के पाठक जी को क्या बोलिएगा। तो सीधे कह दी कि सर देखिए, हमको छुट्टी चाहिए, फेस्टिवल्स में अगर छुट्टी नहीं मिलता है तो भी हम लोग घर पर रहेंगे, एब्सेंट मारे तुम्हारे। क्या कुछ कहना था बच्चों का वो आपने सुन लिया, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।